और रूप जानते, तो आपको आंख की जरूरत है। तो आत्मा देखते हुए भी उस वस्तु का रूप नहीं जान पाएगा। आंखें बंद कर लीजिए, रूप दिखना बंद। नेत्रहीन लोग किसी वस्तु का रूप रंग नहीं जान पाते, लेकिन किसी भी वस्तु को वो उसके शब्द के द्वारा या स्पर्श के द्वारा या गंध के द्वारा पहचानते हैं। अगर जुखाम हो जाए और सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए नाक में, तो आपको सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो उपकरण खराब हो गया। आपके कान खराब हो जाए तो शब्द का सुनना बंद हो गया। तो आपको इन उपकरणों की जरूरत है। अगर ये उपकरण न हो तो आत्मा फिर उन संसार के पदार्थों का ज्ञान नहीं कर सकता। इसलिए जीवात्मा का मूलभूत ज्ञान क्या है? चेतन सत्ता का जो ज्ञान का बेसिक रूप है, मूल मौलिक रूप है, वो सिर्फ इतना सा है कि वो अपने होने को जानता है। जैसे कि मैंने आपसे उदाहरण दिया कि इस माइक को अपने होने का ज्ञान नहीं, और मुझे और आपको अपने होने का ज्ञान है। तो हमारा ये मौलिक ज्ञान है। ज्ञान का विस्तार फिर होता है, आपके पास उपकरण आ गए, आंख नाक कान वगैरह हैं, तो आप संसार की चीजों को, उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध को पहचान पाएंगे, बुद्धि से उनका विश्लेषण करेंगे, बुद्धि विचार करेगी और आपके ज्ञान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो वेद शब्द का एक अर्थ हुआ होना सत्ता, दूसरा अर्थ हुआ ज्ञान, तीसरा अर्थ हुआ विचार, चौथा अर्थ है लाभ। तो अब बताइए, वेद के इन अर्थों के क्रम को समझकर आप बताएं कि वेद शब्द का एक अर्थ है लाभ, तो दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है लाभ? कौन सा लाभ है सबसे बड़ा? अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत आपके पास ही इकट्ठी हो जाए और बाकी सब लोग आपके नौकर चाकर हों, जिसको कुछ भी खाना पीना है और जीवन की आवश्यकताएं पूरी करनी है वो आपकी नौकरी करे, आप उसे तनख्वाह देंगे तब उसका जीवन चलेगा, इतनी दौलत आपके पास हो, ये तो बहुत बड़ा लाभ है। बताइए सबसे बड़ा लाभ है? नहीं है तो क्यों? दुनिया धन पाने के लिए, उसको ही लाभ समझते हुए, अधिक से अधिक धनवान बनने के लिए सारे लोग परेशान हैं और प्रयत्न कर रहे हैं। तो चलिए, अगर इतनी दौलत न हो कि सारी दौलत आपकी है, बाकी सारे लोग 640 करोड़ लोग इंसान वो सब आपके नौकर हैं, इतनी ना भी हो तो भी इतनी हो कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति हो गए, जैसे कि बिल गेट्स थे थोड़े दिनों पहले, फिर थोड़े दिनों बाद मुकेश अंबानी हो गए, और उसके बाद फिर बिल गेट्स हो गए। उनकी प्रॉपर्टी के वो शेयर्स वो कम ज्यादा होते रहते हैं, इस आधार पर उनकी संपदा का कम ज्यादा मूल्यांकन होता रहता है कुछ कुछ समय बाद। तो मान लीजिए दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति, सबसे ज्यादा दौलत आपके पास है, तो आप सबसे ज्यादा लाभ में हैं? सबसे ज्यादा लाभ में हैं? नहीं। तो अच्छा बताइए, आप दुनिया के सारे शास्त्र सारे ग्रंथ आपने पढ़ रखे हैं, सबसे बड़े विद्वान हैं आप, सबसे ज्यादा नॉलेज आपके पास है, तो ये बड़ा लाभ है? ये भी नहीं है। तो चलिए, आप दुनिया में इतने प्रसिद्ध हैं कि सब लोग आपका चेहरा पहचानते हैं कि ये है वो महानुभाव। जब भी मुझे कोई मिल जाता है कहीं ट्रेन में बस में और कहता, अच्छा हमने तो आपको टीवी पर देखा था, तो अच्छा लगता है कि नहीं जी? तो आप सब जगह पहचाने जाएं, सब जगह आपका नाम हो, आप बहुत फेमस हो, ये है बहुत बड़ा लाभ? ये है? आप सब में नहीं नहीं करते जा रहे हैं, आप दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान हो जाएं, आपके पास बड़ी सेना हो, लोग आपका आर्डर मानते हो, आपके आगे सिर झुकाते हो, आप सबसे बड़े सम्राट हो, ये है सबसे बड़ा लाभ? अब आप ना हां कर रहे हो ना कर रहे हो। तो देखो, दुनिया में यही तो चार ऐश्वर्य हैं जिनके लिए आदमी भागा भागा फिरता है, या तो बहुत धनवान होने के लिए, या बहुत बड़ा ज्ञानवान बहुत बड़ा कलाकार होने के लिए, या बहुत प्रसिद्ध होने के लिए, या बहुत बड़ा शक्तिशाली बड़े ऊंचे पद पर बैठ जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, ये वो उसकी सारी आकांक्षाओं के दायरे यहीं तक हैं। और इन्हीं लाभों को, इन्हीं फायदों को पाने के लिए आदमी दौड़ भाग करता रहता है, ये करता है वो करता है, तमाम तरह के हथकंडे अपनाता है, और इनमें से कोई एक चीज पा लेता है, या तो धन पा लेता है, या ज्ञान
सूचनाएं इकट्ठी कर लेता है या बहुत प्रसिद्धि पा लेता है या बड़ी ताकत उसके पास इकट्ठी हो जाती है, या वो ये करता है कि थोड़ा धन भी हो गया, थोड़ी प्रसिद्धि भी मिल गई, थोड़ा ज्ञान भी मिल गया, थोड़ी ताकत भी मिल गई, इस तरह से उसकी आकांक्षाओं के इच्छाओं के विस्तार होते रहते हैं। तो अब बताइए, इनमें से कोई भी आपको लाभ नजर नहीं आता? अच्छा, तो फिर आप किस बात के लिए रोज प्रयत्न करते हैं? आप भी तो आखिर नुकसान तो नहीं चाहते हैं, नुकसान तो नहीं चाहते, तो ईमानदारी से बताइए कि आप पैसा नहीं चाहते? कमाल है, फिर आप कहते हैं कि पैसा कमाना लाभकारी नहीं है। लाभ तो है। अच्छा, आप ज्ञानवान नहीं होना चाहते? नहीं होना चाहते तो यहां सत्संग में क्यों आए? कुछ तो ज्ञान पाने की लालसा है। आप प्रसिद्ध नहीं होना चाहते? बहुत प्रसिद्ध नहीं होना चाहते, पर इतना तो सब चाहते हैं कि भाई हमारे जितने भी परिचय में लोग हैं सब हमें अच्छा व्यक्ति समझें और समझें कि हम भी कुछ हैं, यूं ही नहीं है, है ना? और शक्ति भी कुछ अंशों में सब पाना चाहते हैं, कोई कमजोर तो नहीं रहना चाहता। तो ये चार ही लाभ हैं सांसारिक, और इन लाभों की दौड़ में हर इंसान लगा हुआ है। पर देखो, ये ठीक है, ये लाभ हैं, और इन लाभों को पाने के लिए, इन उपलब्धियों को, उपलब्धि में भी ये लाभ शब्द ही है, लब्धि, लब्धि में जो लब है, लब, ये लाभ और लब्धि एक ही बात है, एक उप शब्द और लग गया, उप, उपलब्धि, अचीवमेंट, हमने कुछ पाया। तो लाभ का अर्थ होता है प्राप्त कर लेना, लाभ का अर्थ होता है हानि से बच जाना, और लाभ कुछ मिल जाना, कुछ हासिल हो जाना, ये सब लाभ है। तो ये जो सांसारिक लाभ है इनको प्राप्त करने में कुछ बुराई नहीं है। बुराई तब होती है जबकि हम इन लाभों की लालसा में इतने फंस जाते हैं कि परम लाभ को भूल जाते हैं। तो देखिए, वेद शब्द का एक अर्थ सत्ता, वेद शब्द का दूसरा अर्थ ज्ञान, वेद शब्द का तीसरा अर्थ विचार, वेद शब्द का चौथा अर्थ लाभ। तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ यह है कि अपनी सत्ता का ज्ञान, अपनी सत्ता को जान लेना। अब आप कहोगे कि ये तो हम जानते ही हैं। देखो, ये माइक अपने होने को नहीं जानता। हम और आप अपने होने को जानते हैं, पर क्या हम ये जानते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं? हम वास्तव में क्या हैं? हमारा स्वरूप क्या है? इस जीवन से पहले हम कहां थे? इस जीवन के बाद कहां होंगे? हमारे जीवन की इस अनादि अनंत यात्रा का लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए, इत्यादि जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही संसार का और मनुष्य शरीर में आए हुए, मनुष्य जीवन में आए हुए जीवात्मा का परम लाभ है और होना चाहिए। मैंने कभी आपसे कहा होगा कि इस संसार में जब भी कोई बच्चा मनुष्य शरीर में जन्म लेता है तो थोड़ा बड़ा होने पर वो माता पिता जो बोल रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनता है। जो भी भाषा वो बोलते हैं उस भाषा को बच्चा धीरे धीरे सीखता जाता है। उसके सामने गुजराती बोलिए तो गुजराती समझने लगता है, मराठी बोलिए तो मराठी जान जाता है, हिंदी बोलिए तो हिंदी, अंग्रेजी बोलिए तो अंग्रेजी। जब आप कहते हो कि वो वाटी उठा लाओ तो एक उम्र आती है कि बच्चा अभी बोल नहीं पाता पर ये समझ लेता है कि इस गोल गोल इस चीज को वाटी कहते हैं, कटोरी कहते हैं, और वो ले आता है उठा के, पैर चलने वाले हो गए और इतनी उसने भाषा सुन ली, समझ ली। फिर जैसे ही वो बोलने वाला होता है, कुछ शब्द बोलने लायक हो जाता है, वैसे ही क्या शुरू करता है? वो वैसे ही शुरू करता है ज्ञान पाने की इच्छा। शुरुआत पहले से हो गई है, वो भाषा के शब्दों का वस्तुओं से संबंध जोड़ना सीख गया है। इसको वाटी कहते हैं, इसको आग कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये सब उसे आ गया, भाषा जान गया। फिर इसके बाद वो शुरू करता है पूछना सवाल, विचार शुरू हो जाता है उसका, विचार शक्ति उसकी तीक्ष्ण होने लगती है और वो विचार करके तरह तरह की चीजों के बारे में जानकारी पाना चाहता है। उसके मन में परमेश्वर ने ज्ञान पाने की सहज इच्छा भर दी है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, ज्ञान पाने की जो सबसे पहली भूमि है जहां ज्ञान जन्म लेता है उसका नाम है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी।
तो बच्चा पूछता है माता पिता से सवाल, ये क्या है? आप बताती हो ये चिड़िया है। ये क्या है? आप बताती हो ये गाय है। ये क्या है? ये घोड़ा है। ये क्या है? ये कार है। एक एक चीज के बारे में पूछता है, एक एक चीज के बारे में। फिर उसके सवाल और गहरे और ज्ञानपूर्ण होने लगते हैं। वो पूछता है सूरज कहां से उगता है सुबह, कहां चला जाता है रात को। बड़ा गहरा सवाल है, उसका पूरा वैज्ञानिक उत्तर देना पड़ेगा आपको। वो पूछता है सूरज की रोशनी गर्म क्यों है, चांद की रोशनी ठंडी क्यों है। बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछा करते हैं। गुलाब का फूल लाल क्यों है, गेंदे का फूल पीला क्यों है, समझाइए। अब इतनी इतनी तरह तरह के गहरे सवाल बच्चे पूछते रहते हैं, जिनके इर्द गिर्द आपको बहुत सारी चीजें मालूम हो तो आप बच्चों को संतुष्ट कर पाओगे। बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं, आपने भी पूछे थे बड़े होने के बाद, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा लिखा, उसमें जिन प्रश्नों के उत्तर मिले आप उनसे सेटिस्फाइड हो गए, फिर पढ़ना लिखना छूट गया और आप अब जीवन के लाभ पाने के चक्कर में फंस गए। ज्ञान पीछे छूट गया है, आपको अब लाभ चाहिए। जब आपको कोई बढ़िया साड़ी मिल जाती है तो आप उसे लाभ समझते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पति को कारोबार में 1,00,000 रुपए का लाभ हुआ, ठीक। आपने एक साड़ी खरीदी तो वो साड़ी लाभ है कि हानि? आहा, पति के लिए हानि है, इनके लिए लाभ नहीं, ऐसा नहीं है। वो लाभ आपका ही था 1,00,000 रुपए, उसमें से आपने 1,000 रुपए साड़ी में खर्च कर दिए, लाभ उतना ही है, 1,000 रुपए उधर गए, उसके बदले में आपने एक वस्तु ले ली। मान लीजिए वो 1,00,000 रुपए ऐसे के ऐसे ही रखे रहे बैंक में, ना साड़ी आए घर में, ना कोई अच्छी चीज आए, ना कोई खाने पीने की चीजें आए अच्छी, ऐसे ही हो तो फिर उस पैसे का क्या मतलब? तो उस पैसे को उपयोग में, सदुपभोग में बदलना ही, यानी सुख उठाना ही लाभ हुआ ना। तो निष्कर्ष क्या निकला? पैसा नहीं, पैसे से फिर सुख प्राप्त करना, वो लाभकारी है। पर आपको कहीं साड़ी ऐसी ही पड़ी हुई मिल जाए, या आप गई थी दुकान पर और आपने एक साड़ी खरीदी थी और सेल्समैन ने गलती से 2 साड़ियां आपके उस पैकेट में रख दी, तो ये लाभ हुआ? अब बताइए, 2 महिलाएं बस में चढ़ी, गवर्नमेंट की बस में, सिटी बस में, शहर में जो चलती है, 5 रुपए 10 रुपए 8 रुपए टिकट होता है उसका। तो एक महिला बोली टिकट खरीद लो, तो दूसरी उसकी सहेली बोली इतनी भीड़ है, अगले स्टॉप पे तो उतर ही जाएंगे। तो पहले वाली बोली नहीं, भगवान ईमानदारी का फल देते हैं, फायदा जो है ईमानदारी में है। तो ठीक है, तो तू ले ले टिकट भीड़ में जाके, कंडक्टर वहां है आगे। तो ये बड़ी मेहनत करके गई और टिकट 2 खरीद के ले आई, तो टिकट थे 5-5 रुपए के, टिकट थे 5-5 रुपए के, 2 टिकट खरीद के ले आई और अपनी सहेली से बोली देख मैंने कहा था ना कि ईमानदारी का फायदा होता है, मैंने 20 का नोट दिया था कंडक्टर को, उसने 50 का समझ के 40 वापस कर दिए, ईमानदारी का फायदा हो गया। ये ईमानदारी का फायदा है। तो हम जो लाभ हमें हमारे परिश्रम के बिना, हमारे कर्म के बिना, चाहे वो कर्म शरीर का हो, बुद्धि का हो, किसी तरह के कर्म और पुरुषार्थ के बिना जो हमें हासिल हो जाता है, उसको हम लाभ समझने लगते हैं कि ये लाभ हो गया, देख ईमानदारी का फायदा है, 20 का नोट दिया था, 50 का समझ के कंडक्टर ने 40 वापस कर दिए, ये लाभ है। अब ये प्रवृत्ति आगे बढ़ेगी, ये प्रवृत्ति आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते बढ़ते हानि की ओर लेकर चली जाएगी, क्योंकि फिर मन ऐसा हो जाएगा कि फिर वो चाहेगा कि ऐसे ही लाभ होता रहे, बिना परिश्रम के, बिना कुछ किए 20 का नोट दो और 50 समझ करके आपको मिलते जाएं। दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उनके 2 विभाग हैं, एक आर्य हैं और दूसरे अनार्य हैं, एक आर्य हैं दूसरे अनार्य हैं। और उनमें अंतर क्या है?
उनमें अंतर यही मुख्य अंतर है, हमेशा आर्यों और अनार्यों में लड़ाई होती रहेगी। आर्यों और अनार्यों में, देवताओं और असुरों में, राक्षसों में हमेशा संघर्ष होता रहा है और होता रहेगा। तो आर्य वो हैं जो परिश्रम में विश्वास रखते हैं, आर्य वो हैं जो कर्म में विश्वास रखते हैं, आर्य वो हैं जो पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं, आर्य वो हैं जो एक न्यायकारी सत्ता में विश्वास रखते हैं, आर्य वो हैं जो ये जानते हैं कि हमने कर्म किया है तो अगर आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा, और अनार्य वो हैं जो समझते हैं कि ये दुनिया बाई चांस चल रही है, यहाँ यूं ही ऐसे ही सब कुछ होता रहता है और ऐसे ही झटक लो, दूसरों को तकलीफ दे करके कुछ भी अगर अपने सुखों के साधन प्राप्त किए जा सकते हो, दूसरों को नुकसान पहुंचा के अगर अपना लाभ उठाया जा सकता हो तो उठा लो, बस अंतर यही है आर्य और अनार्य के बीच। इसलिए ऋग्वेद में आर्यों के लिए जो विशेषण है, जो एडजेक्टिव है, वो है अलीनासः, और अनार्यों के लिए जो विशेषण है वो है अनासः। आर्य वो है जो भौरे जैसी नाक रखते हैं, मधुमक्खी जैसी नाक रखते हैं, तितली जैसी नाक रखते हैं, और अनार्य वो हैं जिनके नाक ही नहीं है, बिना नाक वाले, ऐसा विशेषण है। इन शब्दों को देख करके विदेशी विद्वानों ने, जिन्होंने वेदों का अभ्यास किया, वेदों का अध्ययन करना चाहा, उन्होंने एक कल्पना की कि आर्य कोई जाति है जो कि दूसरे देशों से आकर इस देश में आकर बस गई, मध्य एशिया से या उत्तरी ध्रुव से, इस बारे में उनमें अभी मतभेद हैं कहां से आए थे, लेकिन ये बात तय है कि आर्य लोग बाहर से आए, और जो लंबी नाक वाले लोग हैं वो आर्य हैं, चपटी नाक वाले लोग अनार्य हैं, वो साउथ के द्रविड़ लोग, उनको आर्य लोगों ने मारा पीटा भगाया और उधर खदेड़ दिया और जंगलों में वो बेचारे रहने लगे, जाके कोल भील संथाल जो वनवासी जातियां हैं वो इस देश की मूल निवासी हैं, बाकी सब लोग बाहर से आकर के यहां बस गए और यहां के मूल निवासियों को खदेड़ के उधर जंगलों में धकेल दिया। लेकिन वो ये नहीं समझते कि अलीनासः और अनासः के आधार पर वो लंबी नाक वाले और चपटी नाक वाले, ये जो जातियों के विभाग कर रहे हैं, इतनी सी बात उनकी समझ में नहीं आ रही कि अनासः का अर्थ छोटी नाक नहीं होता और अलीनासः का अर्थ लंबी नाक नहीं होता। अलीनासः का अर्थ है भौरे जैसी नाक वाले और अनासः का अर्थ है जिनको नाक ही नहीं। तो आर्य और अनार्य का विशेषण ही ये बता रहा है कि आर्य शब्द जातिवाचक नहीं है बल्कि गुण बताता है। किसी गुणों के आधार पर कोई भी व्यक्ति आर्य हो सकता है, अनार्य हो सकता है। रावण आर्य था कि अनार्य, सीता राम को आर्य पुत्र कहकर संबोधित करती है। तो जो लोग ये कहते रहते हैं कि आर्य समाज ही कहां से आए, उन्हें समझना चाहिए कि सारी धरती के लोग कभी आर्य ही कहलाते थे और उसके विभाग यही थे कि जो सदाचरण कर रहा है वो आर्य है और जो सामाजिक नियमों को नहीं मान रहा और जल्दी से ज्यादा लाभ पाने की कोशिश में है और दूसरों को नुकसान पहुंचा करके भी अपना सुख अपना लाभ उठाना चाहता है वो अनार्य है, और उनमें संघर्ष रहता है। परिश्रमशीलों में और हरामखोरों में हमेशा लड़ाई जारी रहती है। लेकिन अनार्य जो हैं आर्यों के बल पर ही पलते हैं। रावण ब्राह्मण ही है और उसी वंश परंपरा में है, लेकिन कठिनाई कहां पर है कि उसकी विचारधारा दूषित हो गई है और वो ऐसी ही विचारधारा के लोगों को अपने साथ जुड़े हुए हैं और उस विचारधारा का विस्तार करता चला आ रहा है उधर उस दक्षिण भारत के उस क्षेत्र में। तो राम ने कोई जातिगत लड़ाई नहीं लड़ी थी और न उनका युद्ध सीता के अपहरण की वजह से था कि उनकी पत्नी को चुरा लिया गया। पहले से ही योजना बन रही थी ऋषियों की कि ये रावणी जो आसुरी राक्षसी सभ्यता है, जो अनार्य सभ्यता फैल रही है, इस विचारधारा को समाप्त करना है। तो अनार्य लोग हमेशा से आर्यों के बल पर पलते हैं। चोर लोगों का, बेईमानों का, परिश्रमहीनों का गुजारा कहां पर होता है? मान लीजिए सारे भाग्यवादी लोग जो कुछ और नहीं करते, सिर्फ शेयर खरीदते हैं या सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते रहते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ दूसरों की संपत्ति को चुराकर बेईमानी से, छल कपट से, चोरी से और अपना सुख पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एक जगह रख दिया जाए जहां कोई भी मेहनत करने वाला नहीं हो। कोई ना जमीन खोद रहा है, ना कोई मकान बना रहा है, ना कोई खेती कर रहा है, ना कोई हल चला रहा है, ना कोई सड़क बना रहा है, ना कोई बिजली बना रहा है, ना कोई कपड़ा बुन रहा है,
कोई कुछ नहीं कर रहा, सब ऐसे ही पांसे खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं या एक दूसरे की चोरी करना चाहते हैं, वहां कौन किसकी चोरी करेगा? धन है ही नहीं, धन तो तभी उपजेगा जबकि पुरुषार्थ किया गया हो, परिश्रम किया गया हो। सारे चोरों को, सारे बेईमानों, रिश्वतखोरों, भ्रष्टाचारियों को उठा के एक जगह किसी एक द्वीप में, किसी एक देश में रख दो, लो तुम यहां मरो, रहो, क्या करेंगे वो? किसको, कौन किसको लूटेगा, कौन किसको ठगेगा, कौन किससे रिश्वत लेगा, कौन किसकी चोरी करेगा? करके देखिए। तो सारे हरामखोर, सारे परिश्रमहीन, परिश्रमी लोगों के बल पर, उनकी उपजाई हुई संपदा पर पलते हैं। ठीक है, परिश्रमी सोचता है चलो मैं और कमा लूंगा, ले जान दो, ले गया चोरी कर, ले गया चोर, चलो इसको भी पेट भर दो। तो एक एक बड़े धनपति के हिसाब किताब चेक हुए तो उनमें हर साल 10 लाख 15 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए कुत्तों का खर्च लिखा हुआ था। समझ रहे हैं आप, कुत्तों का खर्च। तो पूछा कि आप इतना कुत्तों पर खर्च कर देते? हाँ, वो ये मेरा कोड वर्ड है, बहुत सारे कुत्ते हैं जो आते हैं बेचारे, तो मैं उन्हें टुकड़ा दे देता हूं, चलो ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ। इतने सारे जो बदमाश लोग आसपास घूम रहे हैं तो उनको देना पड़ता है, वो इसी बात पर पल रहे हैं, अपना कुछ करते नहीं, यूं ही ऐसे ही बदमाशी, उठाईगिरी, गुंडागिरी से। तो ये कुत्तों का खर्च है, चलो इतना तुम भी करो। तो लाभ तो कुछ कर्म से मिलेगा। तो परम लाभ क्या है इस संसार में, इस शरीर में आने का? ये जो लाभ है, देखो ये शरीर है तो इस शरीर को चलाने के लिए आपको भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, मकान भी चाहिए, आने जाने के लिए स्कूटर कार कुछ तो साधन चाहिए, ये सब भी लाभ हैं, इन सबको प्राप्त कीजिए। लेकिन इस जीवन में, इस शरीर में आने का जो परम लाभ है, जो बड़ा लाभ है, वो क्या है? वो वही है जो एक बच्चा सवाल उठाता है। जैसे ही उसका ज्ञान कुछ कुछ बढ़ने लगता है, तरह तरह के सवाल वो पूछने लगता है। बड़े आश्चर्य की बात है, दुनिया के मनोवैज्ञानिक हैरान हैं कि दुनिया के ज्यादातर बच्चे कहीं भी पैदा हुए हों, भारत में या अमेरिका में, हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, एक सवाल अपने माता पिता से जरूर पूछते हैं और वो सवाल है, मैं कहां से आया। मैंने पूछा था ना आपसे, ये बात कही थी ना, मैं कहां से आया, सब बच्चे सवाल पूछते हैं। गांवों की मम्मियां बता देती हैं तुम कूड़े पर मिले थे, शहरों की मम्मियां बताती हैं तुम हॉस्पिटल से लाए गए थे। लेकिन बड़ा होने पर अगर आप बच्चे को समझा भी पाओ कि ऐसे ऐसे तुम्हारा शरीर बना, माता पिता के संयोग से, शुक्राणु डिंबाणु के मिलन से इस तरह से ये शरीर बनता है गर्भ के अंदर, आपने ये समझाया तो क्या समझाया, ये उसके सवाल का जवाब नहीं है, ये तो शरीर के बनने का प्रोसेस आप समझा रहे हो कि शरीर ऐसे बन जाता है। वो तो ये पूछ रहा है कि इस पिंजरे में ही मैं कहां से आ गया, इस शरीर में ही मैं कहां से आ गया हूं। वो अपने अस्तित्व का बोध चाहता है, कैसा हूं मैं, मेरा अस्तित्व क्या है, कहां से है, किस जगह से है। जब आपने अपने बेटे का या बेटी का नाम रखा होगा बड़े प्यार से, आपका नाम रखा होगा आपके माता पिता ने, तो नाम रखते हुए पिता एक विधि जो करता है, नामकरण संस्कार की जो वैदिक विधि है, हिंदू परंपरा की जो प्राचीन विधि है, उसमें कैसे नाम रखते हैं? बच्चा मां की गोद में होता है और उसका सिर उत्तर की तरफ, पैर इधर, और उस बच्चे के पिता इधर बैठे हुए, तो बच्चे की नाक से निकलते हुए प्राणवायु को, सांस को, उनकी बीच की दो उंगलियां थोड़ा स्पर्श करें, इस तरह से नाक के पास हाथ ले जा करके वो एक मंत्र बोलता है, कोसी कतमोसी कस्यासी को नामासी। उस मंत्र में यही प्रश्न किया गया है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम किसके हो, तुम कैसे हो, तुम कहां से आए हो। न जाने किन किन शरीरों में घूमते हुए अब तुम हमारे परिवार की शोभा बने हो, हम तुम्हारा क्या नाम रख दें? जो भी नाम रखा जाएगा वो तुम्हारा नाम नहीं होगा, तुम तो वास्तव में अमृत हो। हम तुम्हारा दुनिया का व्यवहार चलाने के लिए एक नाम रखे दे रहे हैं, एक नाम, और इस नाम से तुम पहचाने जाओ। इस शरीर में, इतने जीवन में तुम जितने समय तक इस शरीर में रहोगे, तब तक कुछ ऐसे कर्म करना, ऐसे काम करना कि तुम्हारा नाम इतना फैले संसार में कि हमारा नाम तुम्हारे नाम की वजह से जाना जाए। दुनिया के सब माता पिता ये इच्छा करते हैं, मेरा बेटा इतना यशस्वी हो, उसका इतना सम्मान और कीर्ति प्रतिष्ठा चारों ओर फैले कि हमारा नाम भले छिप जाए, लोग हमारे बेटे की वजह से हमें जाने, ये उनके पिताजी हैं। जब तक आप छोटे थे, आपका परिचय आपके माता पिता के नाम से दिया जाता रहा, ये उनके बेटे हैं, उनकी बेटी हैं,
और जब आप बड़े हो जाते हैं, आप कर्म क्षेत्र में लग जाते हैं, तब आपके नाम से आपके पिताजी का परिचय दिया जाने लगता है। बस यही अंतर हो जाना चाहिए जीवन का। तो कौन हो, कहां से आए हो इस शरीर में, यही जीवन का वो गहरा प्रश्न है, जिसका उत्तर अगर आपने खोज लिया, अपने स्वरूप का ज्ञान अगर आपने प्राप्त कर लिया, तो ये संसार का परम लाभ है। मित्रों, इस जगत में लाभ पाने की जो अंधी दौड़ चल रही है, उस दौड़ में एक विचित्र प्रकार की मनोविकृति का शिकार हो गया है इंसान। मनुष्य के मन की लालसाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी एम्बिशंस अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगी और विकृत हो जाएंगी, परवर्टेड हो जाएंगी, तो ये सारी दुनिया दुख से भर जाती है। एक हिटलर की वजह से कितने लाख लोग मारे गए, एक चंगेज खान ने, एक हलाकू खान ने, एक नादिर शाह ने, एक औरंगजेब ने, एक मुसोलिनी ने, एक सिकंदर ने, कितने लाखों लोगों का खून बहाया, इसका इतिहास अगर आप पढ़ें आपका दिल दहल जाएगा। एक मनुष्य की विकृत महत्वाकांक्षा कि मैं सारी धरती का सम्राट बन जाऊं, मुझे विश्व विजय हो और सब ओर मैं जीतूं, सबसे बड़ा मैं हो जाऊं, सबसे महान मैं हो जाऊं, सबसे ज्यादा धनवान हो जाऊं, सबसे ज्यादा बलवान हो जाऊं, ये आकांक्षा विकृत है। दूसरों को सताकर, दूसरों को दबाकर, दूसरों को तकलीफ दे करके आपने अगर विश्व विजय पाई, अपने सुख के साधन इकट्ठे किए, तो उस विश्व विजय की कीमत दो कौड़ी नहीं है। और एक समय आता है, एक समय आता है जबकि वो आपकी सारी संपदा, आपकी सारी दौलत, आपका सारा ज्ञान, आपकी सारी ताकत दो कौड़ी की कीमत की रह जाती है और उसका कोई मूल्य नहीं उठता। तब आप समझ पाते हो कि समय तो बलवान था और इसके साथ हमने किया क्या, जीवन का समय तो आपको प्राप्त हुआ था, लेकिन उस समय का असली लाभ में उसे कन्वर्ट न कर सके। यूं ही समय की सांसें, जीवन की सांसें ऐसे ही गुजरती गईं। कहते हैं कि सिकंदर जब इस दुनिया से जाने लगा, तो उसने ये वसीयत की, ये विल की कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं। किस लिए निकाल दिए जाएं? परंपरा तो ऐसी है, आदमी को लंबा लिटाकर कफन में उसके हाथ ऐसे कर दिए जाते हैं और कपड़े में यूं ढक दिए जाते हैं, कफन के अंदर कर दिए जाते हैं। उसने कहा नहीं, मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना, ताकि दुनिया के लोग भी जान सकें कि सिकंदर भी अपने साथ कुछ भी साथ नहीं ले जा पा रहा है। सारी दौलत, सारी विश्व विजय करके जो संपदा इकट्ठी हुई थी, उसमें से एक एक पैसा भी साथ नहीं ले जाया जा सका, और सिकंदर भी ऐसे ही खाली हाथ दुनिया से गया है जैसे कि सब लोग गए हैं। लोग ये जान सकते और इस एहसास से भर सकें, और मेरे बाद कोई दूसरा आदमी विश्व विजय की विकृत लालसा में पड़कर दूसरों का खून बहाता हुआ न घूमे, मैं ये चाहता हूं। बस समझने की बात यह है, अगर उस परम लाभ को आपने केंद्र में रखकर बाकी छोटे छोटे लाभ प्राप्त करने की इच्छा न की, आप छोटे लाभों को परम लाभ न समझ लें, नहीं तो आखिर में हाथ खाली ही रह जाएंगे और जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एक राजा बड़ा अहंकारी था, आसपास के छोटे राजाओं को पराजित करके उनका राज्य उसने अपनी सीमा में मिला लिया था। या तो मेरे राज्य में अपने राज्य का विलय कर दो, या फिर अपने देश पर शासन करो, पर इतना परसेंट टैक्स मेरे को दो, ये दो शर्त थी, और नहीं तो मरो, तीन ही विकल्प। तो इस तरह से उसके राज्य की सीमाएं बहुत बढ़ गईं, उसने अपनी शक्ति का, अपने राज्य का बहुत विस्तार कर लिया। तो एक दिन एक सन्यासी उसके दरबार में आए, वो अपने आसन पर बैठा रहा, और जैसी कि इस देश की भारतीय परंपरा रही है कि सन्यासी परिव्राट कहलाता है, वो सम्राट के ऊपर होता है, उसका अधिकार, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा सम्राट के ऊपर है। उस परंपरा, उस मर्यादा को भूलकर राजा अपने आसन पर गर्वीला बैठा रहा, और सन्यासी के अभिवादन में, उनकी अभ्यर्थना में उठा भी नहीं। कोई बात नहीं, सन्यासी मान अपमान से ऊपर है, वो राजा को एक सबक सिखाने आए हैं। उन्होंने राजा से पूछा, सुना है मैंने कि तुमने अपने राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैला ली हैं। तो उस राजा ने कहा कि हां, अब मेरे बराबर शक्तिशाली राजा और दूसरा कोई नहीं है, चाहूंगा तो और भी राज्यों को अपने राज्य में विलीन कर लूंगा। तो सन्यासी ने पूछा, तुम्हारे राज्य की कुल कीमत कितनी होगी, तुम्हारे राज्य की वैल्यू निकाली जाए, कीमत निकाली जाए, तो कितने करोड़ या अरब रुपए होगी। तो राजा ने कहा कि मेरे राज्य की कीमत को गिना नहीं जा सकता, इतनी जमीन है, उपजाऊ जमीन, जमीन के अंदर इतना सोना चांदी सब कुछ,
मेरे खजाने में ही जितना धन है, जितने डायमंड्स, हीरे, जवाहरात, सोना वो सब रखा हुआ है, उसकी ही कीमत आंकना बड़ा कठिन काम है। राज्य की कीमत तो आप क्या पूछते हो। तो सन्यासी मुस्कुराए और सन्यासी ने पूछा कि एक बात बताओ, अगर तुम अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में चले जाओ, जैसा कि तुम अक्सर किया करते हो, और वहां तुम रास्ता भटक जाओ, तुम्हारे सैनिक, तुम्हारे साथी तुमसे अलग हो जाएं, तुम घोड़े पर बैठे बैठे जंगल में घूमते रहो, इसके बाद तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हें प्यास लगेगी, और उस भूख प्यास में तुम्हें कुछ आसपास नहीं मिल रहा, कोई पानी का तालाब, कोई नदी तुम्हें नहीं मिली, और तुम भटक रहे हो, 3 दिन हो गए, भूख भी लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई है, तब तुम्हारे पास एक इंसान आए जंगल में, अचानक तुम्हारे सामने आए और कहे कि राजन देखो, वो तुम्हें पहचानता है और तुमसे पूछता है कि तुम रास्ता भटक गए हो, मालूम देता है अकेले घूम रहे हो। तुम कहोगे हां, तो तुम्हें प्यास लगी है कि हां, भूख लगी है कि हां, तो वो कहे कि देखो खाने को तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये एक प्याला पानी है, एक प्याला पानी, इसको तुम पी लो, तो तुम क्या चाहोगे, पियोगे ना। तो राजा ने कहा बिल्कुल पी लूंगा। सन्यासी ने कहा लेकिन समझो, वो पानी है एक प्याला, लेकिन सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ बदबूदार एक प्याला पानी लेकर के वो आदमी तुम्हारे सामने उपस्थित है और तुम उस पानी पीने को तैयार हो, लेकिन वो व्यक्ति ये शर्त रखता है कि एक प्याला सड़ा हुआ पानी, गंदा बदबूदार पानी मैं तुम्हें दे सकता हूं, शर्त यह है कि तुम्हें अपना आधा राज्य मुझे दे देना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे। तो राजा ने कहा कि निश्चित रूप से स्वामी जी, अब राजा थोड़ा थोड़ा विनम्र हो रहा था, राजा ने कहा निश्चित रूप से स्वामी जी, मैं अपने प्राण बचाऊंगा और आधे राज्य की कीमत पर उसको मैं अब एक प्याला सड़ा पानी खरीद लूंगा, आधा राज्य देके एक प्याला सड़ा हुआ पानी खरीद लूंगा, आधा राज्य उसे दे दूंगा, क्योंकि अभी तो प्राण बचाए जाने चाहिए ना, आधा राज्य देकर के जो मैंने एक प्याला सड़ा हुआ पानी पिया है उससे अभी प्राण तो बचेंगे, इसके बाद राज्य तो फिर